फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस सेशन में फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस की हम जब बात करते हैं तो फिटनेस के हम 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज स्पीड, एंडोरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। तो आज हम बात करेंगे एजिलिटी के बारे में। एजिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। जहाँ क्रिकेट में हर जगह जैसे कहा जाता है कि बच्चा बहुत अजाइल होता है, ये होता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्रिकेट में कहाँ पर एजिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, लीडिंग विद फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग। ओके, तो हम बात करते हैं कि एजिलिटी कहाँ कहाँ क्रिकेट में यूज़ होती है, उसकी ड्रिल्स कौन कौन सी हैं और हम उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एजिलिटी, सपोज बैटिंग में हम बात करते हैं, तो बैटिंग में जब हम रन लेते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसमें एजिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फील्डिंग में हम बात करते हैं, स्लिप पे लगे हैं पॉइंट या कहीं पोजीशन पे लगे हैं, जब सामने की तरफ फील्डिंग के लिए जाते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। और हम बात करते हैं बॉलिंग में, बॉलिंग में फॉलो थ्रू के बाद एकदम अगर शॉट सामने की तरफ मारता है तो जो बॉलर है उसको रिएक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ भी हमें एजिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर सम एस्पेक्ट जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे एजिलिटी की ड्रिल्स की, कौन कौन सी ऐसी ड्रिल्स करते हैं जब वर्ल्ड क्लास फील्डर्स की, तो उसमें देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा जो भी अच्छे फील्डर रहे हैं वो बहुत एजाइल रहे हैं। एजाइल्स मीन्स कि उनका रिएक्शन टाइम जो है बहुत कम है, मूवमेंट्स बहुत फास्ट है। जैसे हम बात करते हैं रैना की बात करते हैं, युवराज सिंह की बात करते हैं, जॉन्टी रूट्स की बात करते हैं, और पुराने टाइम में हमारे जो रॉबिन सिंह की भी बात करते हैं। तो ये लोग ऐसे थे जो मोस्टली पॉइंट पे लगते, तो पॉइंट एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हमें बहुत क्विकली बॉल के साथ मूव करना पड़ता है। तो हम स्टेट करते हैं पहली ड्रिल्स हमारी एजिलिटी की। जैसे कि हमने एक सर्किल में हमने कुछ कोन्स प्लेस किए जिनके ऊपर बॉल्स हैं। इन ये जो कोन्स हैं वो हमारे 8 to 10 कोन्स हैं, और इन कोन्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो 5 to 7 मीटर है। ओके, वहीं हमने एक कोन को सेंटर के बीच में, सेंटर में हमने प्लेस किया है, जो बाकी कॉर्नर वाले कोन से 8 to 10 मीटर है जिसका डिस्टेंस। तो अब हम बात करते हैं स्टार्ट कैसे इसको करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस सेंटर कोन जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट कोन पर जाते हैं, वहाँ से हम बॉल पिक करेंगे और बॉल्स को लाके यहाँ रखेंगे। देन नेक्स्ट कोन पे हम जाएंगे, बॉल पिक करेंगे और यहाँ रखेंगे। अब जो मेन हमारी इम्पोर्टेंट बात है कि हमने इसको करना कैसे, तो करने में ये हमें ध्यान रखना है, अगर हम लेफ्ट से वहाँ बॉल पिक कर रहे हैं तो बॉल को हमने कोन के सेंटर कोन के पास राइट से रखना है, जिससे कि हमारा कम से कम टाइम लगे। लेफ्ट से बॉल उधर पिक करना है, राइट से रखना है, लेफ्ट से पिक करना है और राइट से रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्या करना है हमने, ठीक है, अगर ऐसे स्टार्ट हमने दौड़ना है और फर्स्ट कोन के पास जाना है, बॉडी को साइडवेज करना है और बॉल को राइट से पिक करना है, ठीक है। देन बैक कोन की तरफ आना है और लेफ्ट से रखना है। फिर नेक्स्ट कोन पे हमने जाना है, बॉल को राइट से पिक करना है और लेफ्ट से रखना है। तो जितना क्विक हम कर सकते हैं उतना, ऐसे सारे जितने भी 8 कोन्स हैं, 8 कोन्स पे सबने जा जाके बॉल को पिक करना है लेफ्ट से। कोशिश करना है कि बॉडी साइडवेज रहे, बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच करना है। सपोज मैं इस कोन के पास जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेच करना है, अगर इस कोन के पास मैं जा रहा हूँ तो मुझे बॉडी को साइडवर्ड स्ट्रेच करना है कि मैं अपना एरिया बढ़ा सकूँ, है ना, जिससे मेरा टाइमिंग कम लगेगा उसको करने के लिए। स्टार्ट, हाँ गुड, वेरी गुड, स्ट्रेच करता है, दूर रख, हाँ दूर से, हाँ वेरी गुड, क्विक क्विक, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, गुड, दूर से रखो, साइडवेज कर बॉडी को, लास्ट है फास्ट, वेरी नाइस। करते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रिल, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं अब फिटनेस जो भी एजिलिटी है उसको गेम के अंदर। ओके, तो ये ड्रिल है जिसमें हमारी कैचिंग भी हो रही है, मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन भी हो रहा है। तो इसमें हम दो स्टंप्स लेते हैं जिनका डिस्टेंस 12 मीटर के समथिंग है। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या करना है, अब एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप यहाँ से दौड़ोगे, आपको बॉल मिलेगा, बीच में बॉल को कैच पकड़ना है, उसके बाद सामने वाले पार्टनर्स को देना है और
राइट से बॉल को टच करना है, फिर वहाँ से रनिंग करनी है, फिर आपको बॉल मिलेगा आपकी रीच के आगे, बॉल को फिर कैच करना है, फिर दूसरे पार्टनर को देना है और लेफ्ट से टच करना है। ऐसे कंटिन्यू हमने करते रहना जब तक आपको बोला नहीं। ओके, बॉडी को साइड वेज करना है, ठीक है, फिर बॉल ऐसे पकड़ेगा, इसको देना है, फिर उसको टच करना है, कंटिन्यू चलते रहना। लंबे स्टेप से दौड़ना भाई, छोटे स्टेप से नहीं दौड़ना है। वेट हट करेंगे हम लोग, ओके, फर्स्ट देन सेंटर में जाना, देन साइडवर्ड कौन टच करना है, साइड टू साइड कौन टच करना है हमें, देन नेक्स्ट वाले में हमें जाना है साइडवर्ड, ऐसे ही हमने सारे कौन पे जाना है और लास्ट में कैच मिलेगा हमें वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज हमने एजिलिटी का वर्कआउट किया डिफरेंट डिफरेंट ड्रिल्स के उसमें, और फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि मैच के दौरान हम उन ड्रिल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने सिंपल फिटनेस किया, उसके बाद फिर बॉल के साथ हमने उसको किया। तो इस तरीके से और भी कई सारी हम ड्रिल्स आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मेरे ख्याल में जो मेरा ओपिनियन है, ये बहुत यूज़फुल ड्रिल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे अगर आप इसको अपने रूटीन में लेके आते हैं। इसके अलावा विल मीट टुमारो विद न्यू सेशन। स्पीड, स्पीड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर चीज़ में हमें ज़रूरत है, चाहे हम बैटिंग कर रहे हो, चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग। तो कल मिलते हैं, सी यू सून।